freelancer.com, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस साइट पर जाकर आप अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आपकी सर्विस के लिए आपको ढूंढ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम freelancer.com पर जाएंगे, आपका अकाउंट बनाएंगे और कैसे आप freelancer.com से अर्न कर सकते हैं बाय गेटिंग फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। ये सारी बातें आज इसी एक वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं freelancer.com पर। सो गाइस, आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की इस डायनेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने करियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अभी ज्वाइन करें WsCube Tech का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड बैच। इन बैचेस में आप सीखेंगे प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल एंड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग विद अ वैलिड सर्टिफिकेशन, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। इन बैचेस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इसी के साथ साथ काफी सारे पेड टूल्स का एक्सेस भी, आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, उसी के साथ डाउट सेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी कनेक्ट करेगी। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCube Tech चैनल। freelancer.com पर कैसे अपनी प्रोफाइल बनाएं और साथ ही उसको अपडेट कैसे करें, ये स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। बाकी ये हमारा कंप्लीट फ्रीलांसिंग का कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधा फ्रीलांसर पर। तो फ्रीलांसर पर लॉगिन करने के लिए आपको जाना है freelancer.com पर। तो देखिए, जैसे ही हम freelancer.com पर आएंगे, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे। फर्स्ट इज फाइंड जॉब्स, ठीक है, जॉब्स आपको मिल जाए। दूसरा, हायर फ्रीलांसर्स, यानी आप अगर एक बिजनेस पर्सन है, किसी भी तरह की सर्विस आप लेना चाहते हैं अपने पर्सनल या अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो यहाँ से आप फ्रीलांसर्स को हायर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम एक फ्रीलांसर हैं तो कैसे हमें यहाँ पर जॉब मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पर होता क्या है। तो जैसे फाइंड जॉब्स में आप जाएंगे तो स्किल के बेसिस पर देखो काफी सारी यहाँ पर जॉब्स हैं, इनकी फर्दर कैटेगरीज हैं। तो लेट्स से कि ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो डिजाइन जॉब पर मैं चली जाती हूँ, ठीक है। ये करने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर काफी सारे जो हैं इस तरह से जॉब्स आई हुई हैं, यानी लोगों ने ये अपनी रिक्वायरमेंट लिस्ट करी हुई है, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पर अपनी जॉब का वो दिया हुआ है कि देखिए, आप अपनी कंपनी के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उस पर आप देख सकते हो इन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट डाली हुई है कि इनको ये पर्टिकुलर तरह की सर्विस चाहिए, इनको लोगो बनवाना है। और जिस पर लोगों ने बिडिंग की है, तो जो एवरेज बिडिंग है दैट इज $907, ठीक है। उसी के साथ ही सिंपल लोगो इनको एक चाहिए, दैट इज $368 का है एवरेज बिडिंग है। 25 बिड्स इस पर हो चुकी हैं। देन यहाँ पर जो है उसी के साथ में फ्रीलांसर्स पर इस तरह से जॉब्स अवेलेबल हैं, साथ ही कुछ कॉन्टेस्ट भी चलते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये पर्सन है, इनको हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स चाहिए अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट के लिए, तो आप यहाँ पर एंट्री जो है कर सकते हो। अगर आप जीतते हो तो आपको $54 जो है वो मिलेंगे, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप बिड करोगे कि कितने रुपए में आप ये काम कर सकते हो, उसकी बिडिंग लगाओगे। फिर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर सबसे लीस्ट बिडिंग वाला जो ऑफर है उसको वो चूज़ करे, या फिर जो भी आपने लिखा है उसके बेसिस पर आपको चूज़ करे। तो इसके हम बाद में बात करेंगे, पहले चलते हैं और फ्रीलांसर पर एक प्रोफाइल बना लेते हैं। तो प्रोफाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के लिए जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांग रहा है, तो हम जल्दी से ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिल कर देते हैं। तो जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, आपसे ये यूजर नेम पूछेगा, तो मैं यूजर नेम यहाँ पर जैसे पुट कर देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये यूजर नेम लगा दिया और अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यू वॉन्ट टू वर्क और यू वॉन्ट टू हायर। तो ऑफकोर्स हम एज अ फ्रीलांसर ये प्रोफाइल बना रहे हैं, तो आई वॉन्ट टू वर्क, ये हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब ये करने के बाद में आपसे पूछ रहा है ये आपके स्किल्स, ठीक है। तो स्किल्स हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आप देख सकते हो, तो मार्केटिंग में से कुछ स्किल्स मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। इंटरनेट मार्केटिंग, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, गूगल एडवर्ड्स, मतलब जो जो भी मेरे निश हैं वो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। आप अगर जैसे मान लो वेबसाइट डेवलपर हैं, तो वेबसाइट वाले ऑप्शन में जाकर आप अपना निश चूज करेंगे। तो इसमें काफी सारे स्किल्स हैं, आप इनमें से चूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो आप, टोटल 20 स्किल्स आप चूज कर सकते हो, तो मैंने कर लिए हैं ये। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपके जो सोशल अकाउंट्स हैं उनको भी आप ऐड कर दीजिए। तो अपना फेसबुक, लिंक्डइन आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फेसबुक ईमेल आईडी एड्रेस आप डालकर, अपना पासवर्ड डालकर और लॉगिन कर सकते हैं। सेम विद द लिंक्डइन, अगर इस अकाउंट पर आपका लिंक्डइन कोई अकाउंट है तो आप उसमें लॉगिन करेंगे और यहाँ पर वो कनेक्ट हो जाएगा। अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जो ये प्लेटफॉर्म है, एज वेल एज जो
हमारे रिक्रूटर्स हैं या फिर जो लोग जॉब पोस्ट कर रहे हैं वो उनका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ। अब इसके बाद में आपकी प्रोफाइल फोटो आ जाएगी, तो मैं जल्दी से यहाँ पर कर लेती हूँ अपना लोगो पोस्ट WsCube Tech का। अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पर अभी तक हमने जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम किया वहाँ पर यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन था कि गैलरी में से कोई इमेज जो है आप ले सकते हो, लेकिन फ्रीलांसर पर आप कैमरा ऑन करके आपको एक बार खुद की फोटो जो है क्लिक करनी होगी, फिर उसको बाद में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ऐसा करता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा और हम जो है फिर इसकी पिक्चर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने बहुत ही बेकार सी फोटो क्लिक कर ली है। देन आपका नेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेम आपको यहाँ पर अपना फुल नेम या अपनी कंपनी या एजेंसी का नाम भी आप डाल सकते हैं। ये करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद में खुद के बारे में कुछ बताना है, अगेन वन लाइन डिस्क्रिप्शन खुद का लिखना है, खुद को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो मेक श्योर करो अच्छे खासे कैरेक्टर्स में, एटलीस्ट 1000 कैरेक्टर्स में खुद को एक्सप्लेन करो। वैसे आप 3000 कैरेक्टर्स तक कर सकते हो और जो बाई लाइन है वो अराउंड 60-70 कैरेक्टर्स की आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने एक लाइन भी ये लिख ली है, बाई लाइन जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन भी अपना डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वही सारी चीज़ें, आप क्या स्किल्स रखते हैं, क्या आपके एक्सपर्टीज हैं, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, एक क्लाइंट को क्या आप अलग दे पाएंगे अदर देन योर कॉम्पिटिशन, तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब योर सेल्फ में डालनी है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी लैंग्वेजेस डाल दीजिए, जो जो लैंग्वेजेस आप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेजेस डाल दी हैं, आपका बर्थ डेट यहाँ पर डाल दीजिए। अब आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर मेक श्योर करना है कि कंप्लीट आपका एड्रेस हो, प्लॉट नंबर समेत, हाउस नंबर समेत, क्योंकि ये आपके आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना एड्रेस डाल दिया है, अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम। अब ये हमारा हो चुका है, तो अब हमें अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा इस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, तो हम इसको वो कर देते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस एंड दैट्स इट, हमारा अकाउंट जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसके बाद में पूछा जा रहा है पेमेंट मेथड को वेरीफाई करने के लिए, तो कोई भी एक पेमेंट मेथड आप वेरीफाई कर देंगे यहाँ पर, तो आपको एक ऑब्वियसली बात है ट्रस्ट आपका बहुत बढ़ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जैसा कि अभी हम देख रहे थे जब हम जॉब ढूंढ रहे थे, तो वहां पर जो हमारा क्लाइंट है उसको ऑप्शन दिखेगा कि ये जो पर्सन है इसका पेमेंट जो है वेरिफिकेशन हो चुका है, मतलब ये एक ट्रस्टेड पर्सन है। तो यूं समझ लीजिए आपके प्रोफाइल के नीचे एक टिक का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है आप चाहेंगे कि आपके प्रोफाइल के नीचे वेरीफाइड बैज आ जाए, जिससे कि आपका ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो पेपैल या फिर अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड कोई भी एक यहाँ पर ऐड करके और वेरीफाई पेमेंट मेथड कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देती हूँ। और उसी के साथ में यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि प्लस मेंबरशिप ले लीजिए, तो प्लस मेंबरशिप ऑब्वियसली बात है freelancer.com का एक प्रीमियम वर्जन है, ठीक है। तो एक महीना आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद में यू हैव टू पे 589 रुपीज पर मंथ। इसमें ऑब्वियसली बात है कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, कि ये पहली चीज आप 100 जॉब्स जो हैं एक महीने में अप्लाई कर सकते हो, 80 स्किल्स ऐड कर सकते हो अपने प्रोफाइल में, जो अभी हम सिर्फ 20 कर पा रहे हैं। उसके अलावा डेली आप जो मनी है वो विड्रॉ के लिए कर सकते हो, बोल सकते हो, और उसी के साथ में कई सारे फ्रीलांसर रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी के लिए स्किप कर देती हूँ और दैट्स इट, हमारी ये जो प्रोफाइल है ये बन चुकी है। सबसे पहले तो मैं प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर देती हूँ जल्दी से, इसके लिए आपको जाना है व्यू प्रोफाइल में, ओके। तो ये प्रोफाइल मैंने यहाँ पर जो है चेंज कर दी है प्रोफाइल पिक्चर। उसी के साथ में आपको अपने प्रोफाइल में कुछ भी चेंज करना है, लाइक आपकी हेडलाइन, आपकी समरी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपके स्किल्स भी आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, कोई भी आपको सर्टिफिकेशन ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि सर्टिफिकेशन के लिए फ्रीलांसर्स का ही एक प्रोग्राम है, ठीक है। आप गेट सर्टिफाइड पर क्लिक करेंगे तो ये वाला एक ऑप्शन आ जाएगा फ्रीलांसर्स का, ये एग्जाम टाइप में है। आप फाइंड एन एग्जाम पर क्लिक करेंगे और अपने रेलिवेंट स्किल को यहाँ पर सर्च करके और उसका एग्जाम देके एक बैज अर्न कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है अपने स्किल्स को प्रूव करने का, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिले ये जरूर कर लीजिएगा फ्रीलांसर पर। उसी के साथ में जो आपके रिव्यूज हैं वो यहाँ पर शो होंगे और यहाँ पर आपको अपना ऐड करना होगा पोर्टफोलियो। वैसे पोर्टफोलियो के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है फ्रीलांसिंग के कंप्लीट कोर्स की, उसी के अंदर मिलेगी। तो मेक श्योर करना वो वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो उसमें हम पोर्टफोलियो की बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। उसी के साथ ही जो भी आपका एक्सपीरियंस है आपकी जॉब से रिलेटेड वो सारा आपको यहाँ पर डालना है। आपकी एजुकेशन यहाँ पर ऐड करनी है, इस सेक्शन में आपको ऐड करनी है अपनी कंट्री, यूनिवर्सिटी, डिग्री डाल के। अपनी जो अदर क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको ऐड करनी है, कोई भी अगर आप रिसर्च पेपर वगैरह आपका पब्लिश हुआ है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। और जो भी आपको रिव्यूज आएंगे आपके क्लाइंट से वो सारे यहाँ देखेंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, ठीक है।
और जो भी आपको मैसेज आएंगे वो ये इस तरह से मेन्यू में आएंगे। यहाँ पर मैसेजेस, चाहे वो क्लाइंट के मैसेज हों या फ्रीलांसिंग के खुद के मैसेजेस हों, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन या फिर दिस वन, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, और कोई भी नई जॉब से रिलेटेड जो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वो नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस करने के बाद मिलेंगे, रीसेंट अपडेट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आपको वही रिकमेंडेशन मिलेंगे जो कि आपके स्किल्स से रिलेटेड हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे स्किल्स वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन जो लोग हैं वो काफ़ी यूज़ करते हैं फ्रीलांसर को, तो अगर आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में, तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो अब हमने यहाँ पर प्रोफाइल बना ली है, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज भी हमने कर दिया है, अब बारी आती है जॉब ढूंढने की। तो देखिए, अब यहाँ पर जॉब ढूंढते हैं, तो freelancer.com पर आपको वापस से आ जाना है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है जहाँ से आपको जॉब्स मिलेंगी, तो ब्राउज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर फिल्टर्स आप लगाइए, फिक्स प्राइस, आवरली रेट, अपने स्किल्स तो आपने ऐड कर ही लिए हैं यहाँ पर, तो सारे स्किल्स आ जाएंगे। आप इनमें से कुछ टेक कंटेक्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। उसी के साथ में लिस्टिंग टाइप लाइक अर्जेंट, रिक्रूटर, आईपी एग्रीमेंट एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको करनी है, या क्लाइंट्स कंट्री भी अगर आपको चूज करनी है आप करके और अपनी जॉब्स ढूंढ सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर ये जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके भी अपनी जॉब्स ढूंढ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगेन जैसे मैं यूट्यूब ग्रोथ की ही अगर बात करूँ, या फिर जस्ट YouTube अगर हम सर्च करें यहाँ पर, और तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि YouTube से रिलेटेड जितने भी हमारी जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। ये देखो बिडिंग भी यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, कुछ जो बिडिंग है जैसे CAD में है, दैट इज कैनेडियन डॉलर, USD में है, US डॉलर्स, ठीक है, कुछ रुपीज में भी होंगी, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी बिडिंग जो है आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे 969 INR पर आवर यहाँ पर ये बिडिंग है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर 8900 है। अब यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें से फेक हो सकती हैं, स्कैम हो सकता है, तो मेक श्योर करो उसी अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा माइंड को अवेयर करके जो हो किसी भी चीज़ पर बिड करो या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आओ। ठीक है, बिडिंग करना इज़ ओके, लेकिन फाइनली अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि भाई यहाँ पर आप फ्रीलांसर्स पर छोड़ो या फिर इस प्लेटफॉर्म पर छोड़ो और हम कहीं बाहर कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लो और हम जो हैं इसको सेटल कर देते हैं, मतलब मैं कम आपको जो है जो freelancer.com की जो फीस है वो यहाँ पर कट जाएगी, तो मैं आपको डायरेक्ट पे कर दूंगा, मेरे को भी थोड़े कम पैसे देने पड़ेंगे, तो इस अकॉर्डिंग भी कई लोग करते हैं। लेकिन अभी आप जब एक इनिशियल फेज में हो अगर फ्रीलांसिंग में, तो ये सारी चीज़ें आप मत करना। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है जॉब की, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस क्लाइंट की भी पूरी इन्फॉर्मेशन एज वेल एज जॉब की भी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखो ये बिडिंग की रेंज यहाँ पर दी हुई है, दैट इज 250 से लेकर 750 CAD यानी कैनेडियन डॉलर की है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें इनको चाहिए, ठीक है, मतलब ये इनकी रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसी के साथ में ये सारे आपकी प्रोफाइल आ रही है, तो यहाँ पर आपको फ्रीलांसर ये भी अलाउ करता है कि इस जॉब पर अप्लाई करने से पहले आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए, तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पर क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस जगह पर ये क्लाइंट जो है पोस्ट कर रहे हैं, कैनेडियन एक क्लाइंट है। उसके अलावा आप देखोगे तो December 22 यानी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब 1-2 महीने पुरानी ही इनकी ये प्रोफाइल है। आइडेंटिटी इनकी वेरीफाइड नहीं है, पेमेंट वेरीफाइड है, डिपॉजिट इन्होंने मेड कर चुके हैं, मतलब डिपॉजिट इसके लिए भेज चुके हैं, ईमेल वेरीफाई है, प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं है, फ़ोन वेरीफाइड है। तो ID वेरीफाई वाले क्लाइंट को पहले आप अप्रोच करो, ये मेरा आपके लिए सजेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल ही स्कैम के चांसेस आपके जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं इस प्रोजेक्ट पर आ चुकी हूँ, यहाँ पर इसकी कंप्लीट डिटेल दी हुई है। ठीक है, इनका इंस्टाग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्या इनको चाहिए, ठीक है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, बजट इनका कितना है, ये सारी चीजें इनको यहाँ पर समझनी है। उसके अलावा इन्होंने अपना बजट भी यहाँ पर एक बिडिंग दी हुई है, 100 CAD से ज्यादा ये पे कर ही नहीं सकती, तो मेक श्योर करो कि 100 CAD से ही कम आपका जो है बजट होना चाहिए। तो स्किल रिक्वायर्ड ये यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है कि भाई अब आपको अपनी बिडिंग जो है प्लेस करनी है, तो इनकी बिडिंग देखो $30 से तो कम हो ही नहीं सकती, तो और $100 इन्होंने खुद नहीं लिख दिया कि भाई $100 से ज्यादा मैं पे कर ही नहीं सकती, तो उस अकॉर्डिंग $100 से ज्यादा हम करेंगे नहीं, तो इसके अराउंड ही मैं करीब जैसे $90 मैं पे कर रही हूँ, जैसे $90 का जो है मैं यहाँ पर एक लगा रही हूँ बिडिंग। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो मेरे हाथ में आएंगे, मतलब मुझे जितना अमाउंट मिलेगा वो है 79, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो है $80 के आसपास मुझे मिलेंगे, क्योंकि जो फ्रीलांसर की जो फी है वो भी यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगी। और कितने दिन में आप ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर दोगे, तो इसके लिए तो यहाँ पर हम एक सम अमाउंट डाल देते हैं, तो जैसे हम इनको, वैसे भी ये जो काम है ये मंथली बेसिस पर रहेगा, तो मैं 30 डेज ही यहाँ पर एक बार पुट कर रही हूँ। और आप अपने प्रपोजल को डिस्क्राइब कर सकते हो कि मैं आपके लिए सोशल मीडिया इस तरह से हैंडल करूंगा,
ये प्रोजेक्ट जो हैं, जो ऑलरेडी पर मैं इन पर काम कर चुका हूँ, इनकी ग्रोथ आप देख सकते हो, ये यूट्यूब चैनल है जिस पर मैंने काम किया है। तो इस तरीके से आपको अपना प्रपोजल जो है वो डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में freelancer.com पर एक ऐसा भी ऑप्शन है कि आप वीडियो के फॉर्म में बिडिंग कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि क्लाइंट को बिल्कुल आप दिख रहे होगे, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होगे उसकी प्रॉब्लम, फिर आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो, ये सारी चीजें आप वीडियो के थ्रू भी शेयर कर सकते हो। बट उसके लिए एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा खुद को। लेकिन खुद को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक फोटो होनी चाहिए क्लियर, आपकी एक आईडी लगेगी, गवर्नमेंट आईडी, ठीक है, फोन नंबर आपका वेरीफाई होना चाहिए, और उसी के साथ साथ फ्रीलांसर जो है वो $99 की जो फी है वो चार्ज करेगा, दैट वुड बी अराउंड 8,000 समथिंग, ठीक है। तो अगर आप इतना पे करने के लिए रेडी हैं तो ये आपको एक नया फीचर मिल जाएगा, और आपकी जो प्रोफाइल है उसके आगे टिक का ऑप्शन आ जाएगा कि आप वेरीफाइड फ्रीलांसर हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी फ्यूचर में ऐसा वर्थ इट लगता है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा माइलस्टोन है, माइलस्टोन मतलब जब आपका प्रोजेक्ट ऐसे डिवाइड होता है कि भाई पहले आप थोड़ा काम करके दोगे, फिर थोड़ा काम करके दोगे, इस तरीके से, तो आप जो है यहाँ पर माइलस्टोन अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। उसी के साथ ही यहाँ पर कुछ ये ऑप्शनल अपग्रेड्स आ रही हैं। पहला है सील्ड, सील्ड का मतलब होता है किसी और फ्रीलांसर को, किसी और बिडर को आपकी जो बिड है वो नहीं दिखेगी इसके लिए, लेकिन आपको 0.10 USD पे करना पड़ेगा। उसके अलावा हाईलाइट मतलब आपकी जो बिड है वो हाईलाइट उसके आगे लिखा आ जाएगा, तो इसके लिए आपको 0.19 USD यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं अगर सेलेक्ट करना चाहते तो नॉर्मली प्लेस बिड पर क्लिक करेंगे और इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपकी बिडिंग लग जाएगी। अब जब आपकी बिडिंग जो है वो अगर वेरीफाई हो जाती है या फिर ये जो क्लाइंट है आपका ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपको सिंपली मैसेज आएगा, आप मैसेज के थ्रू क्लाइंट से भी आगे बात कर सकते हैं, प्रोजेक्ट अपना शुरू कर सकते हैं। अगर ये बिड एक्सेप्ट नहीं होती है तो ऑब्वियसली बात है आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, और जितने भी आपके एक्टिव प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपको इस माय प्रोजेक्ट वाले अकाउंट में दिखेंगे। यहाँ से आपका करंट वर्क, पास्ट वर्क, टोटल जो आपने बिड्स लगा रखी होंगी वो आपको यहाँ दिखेंगी, आपका करंट वर्क, आपका प्रीवियस वर्क, आपकी कॉन्टेस्ट एंट्रीज, जैसे मैंने बताया कि फ्रीलांसर पर आप जो है कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई पेंडिंग प्राइजेस हैं आपके, प्राइजेस रिलीज हो चुके हैं, कोई कोर्ट्स हैं आपके, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है freelancer.com से, काफी लोग मंथली लाखों रुपए कमा रहे हैं घर बैठे बैठे, तो आप भी अगर इसका सही तरीके से यूज करते हो, और उससे भी बड़ी बात अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो डेफिनेटली आप उनका यूज करके freelancer से अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो मंथली। बाकी हमारा कंप्लीट freelancing का कोर्स चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर करो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।